तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बादाम लिए थे जिनको 7 से 8 घंटा मैंने पानी में भिगो के रखा है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप जब भी बादाम भिगोए हमेशा उसको धो के भिगोए ताकि उसका जो पानी बचेगा लास्ट में आप उसका आटा गूंदने में, सब्जी बनाने में या मतलब किसी भी ग्रेवी में डालने के लिए आप उसको यूज़ करें, क्योंकि पानी भी हेल्दी है, क्योंकि इसमें बादाम काफ़ी देर भिगा रहा है, तो इस पानी को वेस्ट ना करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको 7 से 8 घंटा भिगो के रख सकते हैं, तो 5 मिनट पानी को अच्छे से बॉईल कीजिए। उसमें बादाम आपको जितने भी यूज़ में लेने हैं बादाम, उतने बादाम आप उसमें डालें, उसको अच्छे से 2-3 मिनट बॉईल करें और ढक के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। उस पानी की गर्माहट से ढकने के बाद वो अच्छे से फूल जाएंगे, जिस तरीके से ये बादाम हमारे फूले हैं उसके छिलके भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जितने भी बादाम हैं उसके छिलके अब मैं निकाल लूँगी। भीगने के बाद या फिर उबलने के बाद आप दोनों ही तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, बादाम छिल लेने के बाद उसको आप किसी कॉटन के कपड़े पे या फिर हैंड टॉवेल पे रख के, अगर धूप नहीं है तो फैन के नीचे आपको 7-8 घंटा इसको रखना पड़ेगा ताकि इसका पूरा मॉइस्चर सूख जाए, बादाम हल्का भी गीला ना रहे। और अगर आपकी बालकनी में या घर में कहीं धूप आती है तो उसको थोड़ी देर धूप में रख दें, क्योंकि धूप में बादाम थोड़े जल्दी अच्छे सूख जाते हैं, अंदर तक पूरा इसका मॉइस्चर सूख जाएगा और जब हम इसको पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे पाउडर फॉर्म में ये पीसेगा। अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया तो ये चिपका चिपका रह जाएगा। तो इसको मैं पहले पूरा सूख जाने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे पीसना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप जो बादाम भिगोना था, सेकंड स्टेप उसके छिलके उतार के उसको सुखाना था, वो हो चुका है, बहुत अच्छे से जो बादाम है वो सूख चुके हैं। थर्ड स्टेप जो है वो है इसको अब पीसना, पाउडर बनाना। तो उसके लिए हम जो जार लेंगे वो जार भी हमारा अच्छे से सूखा होना चाहिए, थोड़ा सा भी गीला ना हो और बादाम में भी हल्का सा भी मॉइस्चर ना हो, वरना वो तेल छोड़ देगा। और इसके साथ ही अगर हम इसको ज़्यादा पीसेंगे तो भी वो तेल छोड़ देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे पीसना है। तो अगर जार में बादाम बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो उसको 2 बार में पीसें, वरना वो अच्छे से पीस नहीं पाएंगे। यहाँ पूरा नहीं है इसलिए थोड़ा ही है, तो मैंने एक ही बार में बड़े जार में डाल दिया है। नेक्स्ट इधर जो ऑप्शन होता है मिक्सी में, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये पी, जो उल्टे डायरेक्शन में होता है पी, इसका मतलब होता है पल्स। यहाँ पे अगर हम इस तरह की तरफ मोड़ेंगे तो हमें बार बार स्विच खट खट नहीं करना पड़ेगा, वो पल्स में चलता है। तो इस पे रख के हम इसको पीसेंगे। तो ये देखिए इसको मैं 1, 2, 3, 4 बार मैंने चला लिया। अब इस जार को एक बार हम इस तरीके से हिला लेंगे ताकि जो हमारा बादाम है वो ऊपर नीचे हो जाए, और इसी तरीके से हम इसको और 2-3 बार करके पीसेंगे। तो यहाँ पे हमारा बादाम का जो पाउडर है वो पिस चुका है। इसको आप एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 महीने फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, और जिस भी चीज़ में आपको बादाम के पाउडर की ज़रूरत है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कुकीज़ में, मैक्रोन्स में, शेक्स में, मिठाई में। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि बादाम अच्छे से सूख जाने चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा देर तक मिक्सी में कंटिन्यू नहीं चलाना है, वरना मिक्सी के जार में भी वो गर्माहट से तेल छोड़ देगा। और इसको अब मैं रखूँगी फ्रिज में स्टोर होने के लिए 3 से 4 महीने, और बीच में ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी दिक्कत होती है बादाम का पाउडर ढूंढने में कि कहाँ से खरीदे या कॉस्टली पड़ता हो, तो आप इसको घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।